दिल्ली शराब घोटाला मामले में जमानत पर रिहा हुए आम आदमी पार्टी के प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ा दांव चला है। उन्होंने दो दिनों के बाद में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। और इतना ही नहीं, केजरीवाल ने समय से पहले दिल्ली में चुनाव कराने की मांग की है, जिस पर अब बीजेपी हमलावर है। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में दिल्ली की सभी सीटों पर हार के बाद में अरविंद केजरीवाल ने पार्टी को पॉलिटिकल प्रेशर से निकालने के लिए ये बड़ा दांव चला है। और इससे पर दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। दो दिन के बाद, आज से दो दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूँ। आप अपने एमएलओ को ये जताना चाहते हैं कि मेरी धर्मपत्नी को मुख्यमंत्री बनाओ। आरोप जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लगाए जा रहे हैं, वो दिल्ली की जनता प्रचंड बहुमत देकर ध्वस्त करेगी। मुख्यमंत्री जी अग्नि परीक्षा से गुजरने के लिए तैयार है। ये केवल एक नाटक है, जनता की अदालत में उन्होंने रख दिया है। पूरा प्लान ये है कि अब सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाना है। दिल्ली के शराब घोटाले में मुख्यमंत्री से लेकर उप मुख्यमंत्री तक जेल चले गए। आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेता नप गए। अब उसी शराब घोटाले में जेल से बाहर आए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बड़ा दांव चला है और भ्रष्टाचार के मामले में जमानत पर रिहा होने के बाद अग्नि परीक्षा देने के लिए तैयार हो चुके हैं और दो दिन बाद इस्तीफा देने वाले हैं। इसके पीछे की वजह है शराब घोटाले में भ्रष्टाचार का आरोप लगना, सुप्रीम कोर्ट से सशर्त जमानत मिलना, मुख्यमंत्री दफ्तर नहीं जा सकते हैं, सचिवालय नहीं जाने की शर्त है, फाइल पर दस्तखत नहीं कर सकते। इसी वजह से उन्होंने दो दिनों के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है और समय से पहले चुनाव कराने की मांग की है। दो दिन के बाद, आज से दो दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा, और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। आज से कुछ महीने बाद चुनाव है, दिल्ली के चुनाव है। मैं जनता को निवेदन करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं, अगर आपको लगता है केजरीवाल ईमानदार है, मेरे पक्ष में वोट दे देना। आज से कुछ महीने बाद चुनाव है, दिल्ली के चुनाव है। मैं जनता को निवेदन करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं, अगर आपको लगता है केजरीवाल ईमानदार है, मेरे पक्ष में वोट दे देना। अगर आपको लगता है केजरीवाल गुनहगार है, मेरे को वोट मत देना। अब ऐसा क्या हो गया जो जेल से रिहाई के बाद अरविंद केजरीवाल ने न केवल इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया है बल्कि दिल्ली में समय से पहले चुनाव कराने की भी बात कही है। इस्तीफे के ऐलान के पीछे क्या अरविंद केजरीवाल की कोई मजबूरी है या फिर उनका गेम प्लान है? क्योंकि केजरीवाल के ऐलान के साथ ही दिल्ली की राजनीति में सबसे बड़ा सवाल ये है, आखिर अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? तो पहला नाम सुनीता केजरीवाल का है जो अरविंद केजरीवाल की पत्नी है। उसके बाद राघव चड्ढा, आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम है। इस रेस में मनीष सिसोदिया को इसलिए शामिल नहीं किया गया क्योंकि वो भी जमानत पर हैं। हालांकि दिल्ली की राजनीति में जो कुछ भी चल रहा है उस पर बीजेपी पूरी तरह से हमलावर है। बाहर आए हैं तो जेल में रह के तो आपने इस्तीफे की बात की नहीं, बाहर आके इस्तीफा देने की बात क्यों हो रही है? और ये 48 घंटे बाद की बात क्या है? देश और दिल्ली की जनता जानना चाहती है 48 घंटे का राज क्या है, 48 घंटे में क्या क्या सेटल करना है? क्योंकि आप देश के पहले मुख्यमंत्री बने हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा प्रतिबंधित है कि आप कार्यालय नहीं जा सकते, कोई फाइल नहीं साइन कर सकते, जिस मुद्दे में आप आरोपी हैं उस पर बयान नहीं दे सकते। अरविंद केजरीवाल को तो कोर्ट ने चीफ मिनिस्टर पद से हटा दिया था, तो ये एक नया ड्रामा है, दिखावा है। चलिए देर आए लेकिन संविधान के रास्ते पे आए। होना तो ये चाहिए था कि जिस दिन आप जेल जा रहे थे, इस देश के इतिहास में जब भी चीफ मिनिस्टर जेल जाने की नौबत में आया है तो उसने इस्तीफा दिया है ताकि प्रदेश चलता रहे।
अरविंद केजरीवाल ने दिखाया कि हमारा ईगो बड़ा है, हमारे लिए प्रदेश बड़ा नहीं है, प्रदेश के लोग बड़े नहीं है हमारे लिए। यानी खुद को कट्टर ईमानदार कहने वाले केजरीवाल की छवि को शराब घोटाले की वजह से डेंट लग चुका है। बीजेपी बेहद आक्रामक है, ऐसे में केजरीवाल ने इस्तीफे का दाव चल दिया है। माना जा रहा है कि जनता के फैसले का एजेंडा रखकर उन्होंने अगले विधानसभा चुनाव का मोड सेट कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। एक तरफ जहां केजरीवाल ने इस्तीफे का ऐलान किया है कि वो दो दिन में इस्तीफा दे देंगे, तो वहीं अब बीजेपी और कांग्रेस की भी प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं। आपको सुनाते हैं केजरीवाल के इस्तीफे वाले फैसले पर कांग्रेस और बीजेपी क्या कह रही है। आखिरकार एक भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री को कुर्सी छोड़नी पड़ रही है। दिल्ली की जनता की बड़ी जीत हुई है, आज जश्न का दिन है। हमने कहा था कि भ्रष्टाचारी केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ेगा। दिल्ली के ऐसे दूसरे मुख्यमंत्री है जिनको करप्शन के कारण कुर्सी छोड़नी पड़ रही है। पहले शीला हारी है, अब केजरीवाल की बारी है। ये वो आदमी है जो जेल के अंदर से भी इस्तीफा देने को तैयार नहीं थे, कह रहे थे कि मैं जेल से ही सरकार चलाऊंगा, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट का डंडा पड़ा है, अरविंद केजरीवाल को कुर्सी छोड़नी पड़ रही है, इस्तीफा देना पड़ रहा है। देखिए, हमको लगता है कि केजरीवाल जी के सामने कोई दूसरा विकल्प भी नहीं था। एक तरह से मुख्यमंत्री का जो कार्य है उससे उनको रोकने का भी प्रयास किया गया या निर्देश दिया गया, तो वैसी हालत में उनका मुख्यमंत्री बने रहना मेरा ख्याल है उचित भी नहीं था।